छोड़ के दो पहले, नहीं तो साथ कर रहे हैं। खरगोन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की संयुक्त टीम का वहां मौजूद व्यापारियों ने घेराव कर लिया और फिर दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इतना ही नहीं, कार्रवाई का विरोध कर रहे व्यापारी जेसीबी के सामने ही खड़े हो गए और यहां तक कि कई बच्चों तक को बुलडोजर पर चढ़ा दिया। अतिक्रमण मुहिम का विरोध करने के लिए वहां पर स्थानीय पार्षद पति भी पहुंचे थे। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, साथ ही कई नाराज व्यापारी अधिकारियों का ही वीडियो बनाने लगे। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रखी। अब मामले में विरोध कर रहे और बाधा डाल रहे लोगों पर प्रशासन ने एक्शन की तैयारी कर ली है और एक व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। वो ले रहे थे आपत्ति की, यहाँ का तोड़ने रहो, वहाँ का तोड़ने रहो, दादागिरी करते हैं। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, कल दुकानें भी बंद रख के विरोध कर रहे थे, जबकि उनका अतिक्रमण अवैध है। वो तो हटाने की प्रक्रिया चली थी। अब तक कितने अतिक्रमण हटा दिए और किस तरह कार्रवाई चल रही है? 500-700 इस तरह अतिक्रमण, 60-70 अतिक्रमण हटाए और इस तरह, और संदेश भी दे रहे हैं कि भाई बाहर नहीं रखे, आपकी दुकान के अंदर रखे, शटर के अंदर आप रखे सामान। जो लोग विरोध कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके विरोध का हमने आदमी की FIR दर्ज की। बता दें कि खरगोन शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के चलते राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम तिलक पथ पर कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम ने यहां पर करीब 70 अस्थायी अतिक्रमण हटाए, साथ ही व्यापारियों और कारोबारियों को अतिक्रमण ना करने की समझाइश भी दी। वहीं व्यापारियों ने भी दुकान बंद रखकर मुहिम का विरोध किया था। व्यापारियों का आरोप था कि प्रशासन भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कलेक्टर के सख्त आदेश के चलते अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी रखी। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट, MP तक।